पहले भुगतान फिर मतदान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मंडल के प्रत्येक जिले से विभिन्न प्रकार की चिटफंड कंपनी जनता का पैसा लूटकर फरार हो गई हैं। पहले ये लोगों को भरोसे में लेते हैं और पैसा इकट्ठा करवाते हैं और गरीब मजदूरों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। इसी को लेकर आज गरीब मजदूरों ने निकाली रैली, जिसके विषय में जानकारी देते हुए स्नेह लता ने बताया कि विभिन्न कंपनियां जैसे कल्पतरु है, पल्स है, सहारा है, ये सब गरीब मजदूरों का पैसा लेकर भाग गई हैं। यही सब गरीब मजदूर एकत्रित होकर मांग कर रहे हैं कि उनका पैसा वापस दिलाया जाए। गरीब मजदूरों ने नारा दिया है, पहले भुगतान फिर मतदान। अगर इनका भुगतान नहीं होगा तो ये मतदान नहीं करेंगे। आगे जानकारी देते हुए बताया कि इनके पास गरीब मजदूरों का लगभग 100 करोड़ रुपया है। गरीब मजदूरों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए। ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत करके अपना पैसा लगाया है। अगर भुगतान नहीं हुआ तो मतदान भी नहीं करेंगे। हम लोग ही सरकार बनाते हैं और अगर हम लोगों का ही पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग मतदान क्यों करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सरकार कोई अंगड़ाई नहीं ले रही, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बक्स एक्ट 2019 में लागू किया है उसके अंतर्गत हम अपना भुगतान मांगना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 2019 तेज आवाज में बोलो एक बार नारे लगाओ। 2019 मेरा नाम स्नेह लता है। ये जो विभिन्न कंपनियां हैं जैसे कल्पतरु है, पल्स है, सहारा है, ये सब गरीब मजदूरों का पैसा लेके भाग गई हैं। यही गरीब मजदूर सारे एक जगह एकत्रित होकर मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। इन्होंने अपना नारा दिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। अगर इनका भुगतान नहीं होगा तो ये लोग मतदान नहीं करेंगे। जी इनका काफ़ी, कभी 100 करोड़ के लगभग हमारे क्षेत्र से भी है। मैं मुरादाबाद क्षेत्र से हूँ और यहाँ लोग गरीब लोगों का पैसा है और मैं ये चाहती हूँ इन लोग गरीब लोगों को उनका पैसा दिया जाए। आप जानते हैं यहाँ लोग मेहनत मजदूरी से करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जाने कितने ऐसे हैं जो कि घर घर उड़ता है चौका बर्तन करके इन्होंने पैसा अपना लगाया है। यहाँ पर कितने लोग होंगे लगभग? जी कम से कम 1000 से ऊपर लोग हैं यहाँ। जी मानते हैं कंपनी क्या में लेकर ऐसा क्या वजह है जो लेकर भाग गए? सर ये तो ये अपनी नियत है। पहले ये लोगों को भरोसे में लेते हैं, अपना पैसा जमा करवाते हैं और फिर पैसा इकट्ठा कराओ लेकर भाग जाते हैं। जी हाँ ये लोग मतदान नहीं करेंगे, ये लोग मतदान नहीं करेंगे। अगर इनका भुगतान नहीं हुआ तो ये लोग मतदान नहीं करेंगे। गरीब लोगों से ही सरकार बनती है, हम ही लोग सरकार बनाते हैं। हम ही लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग मतदान क्यों करेंगे? जी हाँ हम विरोध करेंगे। हम कोई भी जेंट्स या लेडीज, गरीब हो या अमीर हो, अगर हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। जी पहले भुगतान। जी मेरा नाम मुकेश कुमार, मुरादाबाद का रहने वाला हूं और पीएसएल में मैं पीएसएल का पीड़ित हूं। और ऐसे ही हमारे भिन्न भिन्न कंपनियों के सभी साथी यहाँ जो आए हुए हैं वो सभी अलग अलग कंपनियों के पीड़ित हैं। और भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसे शॉर्ट में बट सकते कहते हैं, जमा पूंजी पाबंदी कानून। ये सरकार भारत सरकार ने बना दिया गया है, सभी राज्यों को ये लागू इसके लिए कह दिया गया है। और अभी हमारे जितने भी मंडल में कमिश्नर साहब
जो बैठते हैं उन सबके पास इसकी लगभग सबको सारी जानकारी उन लोगों के पास पहुंच चुकी है। लेकिन अभी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सारे अधिकारी इस कानून को अभी लागू नहीं कर पा रहे हैं। हम जितनी बार भी उन लोगों के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जियो नहीं आया है, संज्ञान में नहीं है, ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन कानून पास हो गया है और ये इसकी सारी जो जानकारी है कमिश्नर साहब महोदय को और माननीय डीएम साहब को इसकी जानकारी है। हम केवल इतनी सी गुजारिश करने आए कि जो कानून भारत सरकार ने बना दिया है केवल उसे लागू कर दीजिए और उसके तहत एक सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दीजिए जो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो आवेदन के थ्रू लेवे और उसका निश्चित अवधि में उसका समाधान हो, जिससे हमारे जैसे भिन्न भिन्न कंपनियों के जो पीड़ित लोग हैं उनका भुगतान निश्चित अवधि में हो सके। देखिए यहाँ तो हजारों की संख्या मौजूद है लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में इसका कोई आंकलन मेरे पास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट या कंपनियाँ कोई नहीं कह सकते, ये तो अनेकों करोड़ में है, इसकी कोई निश्चित राशि मैं नहीं बता सकता ना मेरे पास मैं इसका आकलन कर सकता हूँ। फ्लेक्सीजर ये हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जो हमारा बना हुआ है ठगी पीड़ित परिवार, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर माननीय मदन लाल आजाद जी हैं, मैं बताता हूँ सर आपको, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बस अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। और जो इस पे लिखा है ये भिन्न भिन्न कंपनियों के बारे में लिखा, अनेकों कंपनियों का से पीड़ित लोग जो पैसा लेके लोगों का नहीं वापस कर रही हैं, केवल उनका जिक्र इस फ्लेक्सी के माध्यम से किया है। मतदान तो सर ये है कि हमारा सरकार पे कोई संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये एक नारा बनाया है कि पहले भुगतान फिर मतदान, केवल ये सरकार को संदेश देना है, ना कि हमारे यहाँ जितने भी भिन्न भिन्न कंपनी से लोग आए हुए हैं और हम स्वयं भी, हमारा किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव का कोई इरादा नहीं, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे, किसी तरह का दंगा फसाद का हमारा कोई इरादा नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और इसी आंदोलन को लेकर उसी क्रम में आज हम मुरादाबाद मंडल में इकट्ठा हुए हैं, जिसके कि हमारे जो इसके सरपरस्त हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर मदन लाल आजाद जी, वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं। ये सर भिन्न भिन्न कंपनियों में PACL है, कल्पतरु है, निम्बस है, सहारा है और ऐसी पल्स है जिसे PACL भी कहते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं भारत सरकार में जो सरकार की जानकारी में सब हैं। कुछ का तो ऐसा ही है जैसे PACL है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया उसके बावजूद भी कंपनी का पैसा वापस नहीं हो पा रहा, तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माननी है ये लोग कंपनियां नहीं मानती या अधिकारी उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करा पाते, तो हमारे पास केवल अपनी आवाज़ उठाने के लिए के अलावा और क्या चारा बचता है? पहले भुगतान बाद में मतदान, सर हमारा नारा नहीं बदलने वाला है, ये नारे से हम नहीं जानते कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं भाइयों, जोर से बोलना है, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान।